अगर इंडिया में आपको नॉन मसाला और जेन्युइन मूवी व्यूअर्स को देनी है तो बॉक्स ऑफिस के फायदे नुकसान वाला बनिए का दिमाग कुछ वक्त के लिए बाजू में रख के मियां भाई वाली डेयरिंग करनी पड़ती है, और ये डेयरिंग अनुष्का शर्मा ने एज अ प्रोड्यूसर दूसरी बार की है। एनएच 10 के बाद फिलोरी अनुष्का के होम प्रोडक्शन की दूसरी मूवी है। इन दोनों की शादी होने वाली है, बट अकॉर्डिंग टू इनका फैमिली ज्योतिष लड़का मांगलिक है, और इसका सॉल्यूशन ये है कि लड़के को पेड़ से शादी करनी होगी, जो वो कर भी लेते हैं। लेकिन इस शादी के बाद एक्चुअल मूवी शुरू होती है। शशि यानी कि अनुष्का शर्मा की अतृप्त आत्मा लड़के को दिखाई देती है, जो उस वक्त पेड़ पे थी जिससे लड़के की शादी हुई है। तो टेक्निकली लड़के ने एक भूतनी से शादी की है। लड़का परेशान है और उससे छुटकारा पाना है, और यहाँ शशि को भी फिर से अपने पेड़ पे जाना है। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो पेड़ अस्तित्व में नहीं है, उसे काट दिया गया है। तो अभी शशि के आत्मा को तृप्त करने के लिए ये लोग शशि को उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछते हैं जो पिछले जन्म में अधूरी रह गई थी, और इसके बाद मूवी फ्लैशबैक में जाती है। शशि को दिलजीत से प्यार होता है, लेकिन इस रिश्ते को शशि के भाई का विरोध है, क्योंकि दिलजीत बस एक सिंगर है। तो दिलजीत खुद को प्रूव करने के अपने सफर में निकल जाता है। क्या उसे अपना प्यार फिर से मिलता है? क्या दिलजीत एक सक्सेसफुल सिंगर बनता है? शशि की डेथ एक्चुअली किस वजह से हुई थी, और मूवी में ऐसी कौन सी लिंक है जो प्रेजेंट सिचुएशन और फ्लैशबैक को जोड़ती है, ये तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। सबसे पहले बात करते हैं फिल्म के टाइटल की। बेसिकली फिलोर ये पंजाब के जलंधर डिस्ट्रिक्ट में बसा हुआ शहर है, और वहाँ के लोगों को फिलोरी कहा जाता है, जैसे मोस्टली अमृतसर के लोगों को अमरसरिया कहा जाता है। अब बात करते हैं सूरज शर्मा की। ट्रेलर देखने के बाद ऑलमोस्ट सबके दिमाग में कांचा जैसी रिएक्शन थी। तुझे देखकर किसी की याद आती है? किसकी? पता नहीं किसकी, बस याद आती है। ये वही बंदा है जो लाइफ ऑफ पाई में था। मुझे पर्सनली इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है। कभी कभी तो ऐसे लगता है कि ये चार अलग अलग इंसान नहीं, कोई एक ही बंदा है, और बाकी के तीन उसके विकसित रूप है। सूरज के मंगेतर का रोल प्ले कर रही है मेहरिन पीरजादा, जिसने लास्ट ईयर तेलुगु मूवी से करियर की शुरुआत की थी। यहाँ पे कास्टिंग डायरेक्टर को 100 out of 100 मार्क्स है, क्योंकि थोड़ा ध्यान से इन दोनों के चेहरे को देखो, ये सच में जेन्युइन माँ बेटी लगती है। लेकिन हमें इतने अच्छे कास्टिंग की आदत नहीं है। हमने किडनैप मूवी में ऐसी माँ बेटियां देखी थी जिनके अंदर ही अंदर कॉम्पिटिशन थी कि कौन किसकी छोटी बहन है। ज्योतिष की पगड़ी और दाढ़ी से ये मत सोच लो कि ये और सूरज की फैमिली सिख है, क्योंकि बेसिकली सिख कम्युनिटी मांगलिक तो बहुत दूर की बात है, लेकिन कुंडली पे ही विश्वास नहीं रखती। अब बात करते हैं इस शादी की। हिंदू शास्त्रों के अनुसार अगर आपके कुंडली में मंगल दोष है तो आपको पीपल या केले के पेड़ से शादी करनी पड़ेगी, जिसको कुंभ विवाह कहा जाता है। प्रॉब्लम तो तब होती है जब आपका ज्योतिष खुद की क्रिएटिविटी इस बकवास में ऐड करके आपकी शादी कुत्ते से करवाता है। यहाँ पे अनुष्का की एंट्री होती है। ये वो सीन से जब सूरज शशि को पहली बार देखता है और हड़बड़ा के बेहोश हो जाता है, और ये वो सीन से जब सूरज को पता चलता है कि रात को जो उसने देखा था वो सपना नहीं हकीकत थी, और पूरी घर में वो हंगामा कर देता है। इस अनएक्सपेक्टेड कांड के वजह से सूरज बहुत ही कंफ्यूज हो जाता है और घर वालों से शादी पोस्टपोन करने की रिक्वेस्ट करता है। शशि बस सूरज को ही दिखती है, तो ये बात वो अपनी मंगेतर के साथ भी शेयर नहीं कर सकता। सूरज के बदले हुए बिहेवियर की वजह से शायद दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। इसकी आंखें और ये नाराजगी वाले चेहरे, इससे हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे शादी वाले दिन शशि खुद मेहरिन को अपना अस्तित्व दिखाती है। अब यहाँ से ट्रेलर का इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू होता है। अगर आप अपना ज्यादा टाइम यूट्यूब पे स्पेंड करते हो या फिर आप टीवी फैन हो, तो आपने निधि को नोटिस किया ही होगा। अब बात करते हैं दिलजीत पाजी की, जो एक सिंगर है और उनकी लाइफस्टाइल थोड़ी जोगी जैसी है। ट्रेलर से ऐसे लगता है कि उसे अपने लाइफ में कुछ एम नहीं है, वो मस्त मौला है और बस सिंगिंग के अपने पैशन में खुश रहता है। लेकिन शशि हमेशा उसे मोटिवेट करती है। दिलजीत के हाथ में ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसे टुम्बा कहते हैं, और इसकी छोटी बहन को टुम्बी। ट्रेडिशनल पंजाबी म्यूजिक में ये भाई बहन हमेशा होते हैं। ये जो बंदा है वो मोस्ट प्रोबेबली अनुष्का का भाई है। जब इसे अपने बहन के अफेयर के बारे में पता चलता है तो ये दिलजीत के गाल पे गणपति निकाल देता है। इसका मतलब साफ है कि वो इस रिश्ते के खिलाफ है। यही घटना दिलजीत के लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन जाती है। यहाँ पे दिलजीत के चेहरे पे अभी तक पंच का निशान दिख रहा है, तो शायद ये इन दोनों की आखिरी मुलाकात होगी। इसके बाद दिलजीत खुद को प्रूव करने के लिए शहर जाता है, और ये सब सीन्स उस सफर के है। ये जो विंटेज बिल्डिंग आपको दिख रही है वो पटियाला का किला मुबारक है। पटियाला के पहले महाराजा सरदार आला सिंह ने 1763 में इसे बांधा था। लेकिन मूवी में ये फोर्ट एम्पायर रिकॉर्ड्स कंपनी की बिल्डिंग दिखाई गई है, जहां गाने रिकॉर्ड और प्रोड्यूस किए जाते हैं। यहां दिलजीत अपना गाना रिकॉर्ड करने के लिए आता है। इस मशीन को फोनोग्राफ कहते हैं, जिसे सॉन्ग रिकॉर्डिंग के लिए यूज करते थे। ये जो सिलेंड्रिकल शेप आपको दिख रहा है, इस पे ही गाना रिकॉर्ड होता था। आपको यहां थॉमस अल्वा एडिसन का ट्रेडमार्क भी दिखेगा, जिसने इसका इन्वेंशन किया था। इन्वेंशन के मामले में एडिसन की कंसिस्टेंसी इतनी थी कि 6th स्टैंडर्ड से लेकर इन्फिनिटी तक हर साइंस के टेक्स्ट बुक में इसका
का नाम होता ही है। इंक की बॉटल ओपन है तो यहाँ ऐसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि दिलजीत ने अपने सॉन्ग का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और यहाँ पे एम्पायर रिकॉर्ड्स वाला वही बंदा दिलजीत के गाने गा वालों को सुनाता है। ये डिब्बे जो यहाँ पे दिख रहे हैं वो पहले मुझे हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट्स लगे, लेकिन हमने जो सिलेंड्रिकल शेप वाला रिकॉर्ड देखा था ये उसका कंटेनर है। इससे हमें पता चल जाता है कि आर्ट डायरेक्टर ने बहुत ज्यादा मेहनत की है। मेहंदी, सोने के झुमके, संगीत, ये सब देख के ऐसे लगता है कि अनुष्का के भाई ने उसे दिलजीत के साथ शादी करने का फॉल्स कमिटमेंट दिया है, क्योंकि यहाँ पे उनके चेहरे पे सैडनेस और गिल्ट दिखाई देती है। फिलोरी में हम बैसाखी और लोहरी जैसे पंजाबी फेस्टिवल के सेलिब्रेशन भी देखेंगे। अब सूरज के कान और मुंह में गांजा वाला जॉइंट रोल क्यों है ये मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। पहली थ्योरी यह है कि यहाँ पे अनुष्का के हाथ में पेन है तो दिलजीत फिलोरी इस निक नेम के अंडर जो सॉन्ग्स गा रहा है उसके लिरिक्स शायद शशि लिखती होगी। ये जो पेड़ है जिसके नीचे ये अक्सर मिला करते हैं, शायद इस पेड़ पे ही अनुष्का भूत बन के बैठी है। अगर टिपिकल बॉलीवुड लॉजिक लगाया तो ऐसे भी हो सकता है कि शशि ने शायद इस पेड़ पे आत्महत्या कर दी। रही बात कॉर्पस ब्राइड की, तो दोनों मूवी में बस एक ही चीज कॉमन है कि लड़का अपने शादी से पहले गलती से भूत से शादी कर लेता है। इसके अलावा ये दोनों मूवीज काफी अलग है। जॉली एलएलबी 2 रिलीज हो गया है और उसका जो मैंने ट्रेलर ब्रेकडाउन किया था उसमें से 90% मेरे तुक्के सही लगे हैं, स्पेशली गर्ल के प्रेगनेंसी वाला। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ठोक दो। जल्द ही मैं बाहुबली 2 के प्रोमोस, मोशन पोस्टर्स और पॉसिबल थ्योरीज पे एक वीडियो बनाने वाला हूँ। अगर आपको ये वीडियो मिस नहीं करना है तो कटप्पा के टक्कल की कसम ये लाल वाला बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपके कुछ सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करना। चलो ठुमका मारी, हो गई मैं तैयार। मेरे पास न पैसा न पास पैसा, बस तू है मेरे यार। मुझे नहीं चाहिए पैसा रात जीने के लिए, सस्ती मस्ती। मुझे नहीं चाहिए पैसा रात जीने के लिए, सस्ती।